उत्तर प्रदेश कांग्रेस में कलह तो खत्म हो चुकी है और अब असंतुष्ट विधायकों को संगठन और सत्ता में जगह देने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में सभी विधायकों का असंतोष पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सीएम गहलोत और आलाकमान की तरफ से एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। फॉर्मूले के मुताबिक करीब 85 से 90 विधायकों को सत्ता और संगठन में जिम्मेदारी देकर संतुष्ट किया जाएगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान ने 3 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से बनाए गए फॉर्मूले के तहत ज्यादातर विधायकों को सत्ता और संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर एडजस्ट किया जाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो राजस्थान विधानसभा सदस्य कानून में संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि विधायकों के लिए दोहरे लाभ के पद के लिए स्थान सीमित है। सूत्रों का कहना है कि कुछ विधायकों को संसदीय सचिव, कुछ को विभिन्न आयोग, बोर्ड, निगम, यूआईटी और प्राधिकरणों में बड़ी जिम्मेदारी देकर राजी किया जाएगा। लेकिन पार्टी के लिए समस्या यह है कि कुछ जगह विधायकों की नियुक्ति करने से पार्टी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के उल्लंघन का डर है। लिहाजा इससे बचने के लिए पार्टी ने राजस्थान विधानसभा सदस्य यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 2017 में संशोधन की भी योजना बनाई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जरूरत पड़ने पर एक्ट में संशोधन के लिए सरकार की ओर से संशोधन बिल विधानसभा में पेश किया जा सकता है। देखिए, अब महामंत्री जी ने अब कार्यभार ग्रहण किया है, अब वो जानकारी लेंगे और सब चीजें अब सबसे साझा करेंगे जानकारी और सब उसके पश्चात ही आप ये सोचें कि एकदम से हो जाएगा। सबको समय लगेगा पर लेकिन सही ढंग से होगा और यही सबको अपेक्षा करते हैं कि जो पात्रता जिसकी है उसको वो मिले और कोई उसमें वंचित ना रह जाए। जो पात्र है, जिसका अपना राजनीतिक अनुभव है, जिसने राजनीति चुनाव हो या पार्टी को संगठित करने या पार्टी को सशक्त करने में जिसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनको उसका उस अनुपात से उनको अपनी भूमिका या दायित्व मिलना चाहिए।